खुशी का मौका है, कार्तिकेय हमारे साथ है। कार्तिकेय शर्मा ने इस बार रैंक 3 प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। लास्ट ईयर इन्होंने रैंक 8 प्राप्त किया था और इस बार इन्हें SDM की पोस्ट मिली है। कार्तिकेय, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। सर मैं अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन से बिलोंग करता हूँ, बट मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिमाचल से हुई है ड्यू टू पोस्टिंग ऑफ माय फादर। तो सर मैं DAV चंबा से पढ़ा हूँ, DAV देहरा से मैंने स्कूलिंग की है, DAV रिठानी से। लेकिन मेजोरिटी जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला से हुई है। 7th 2+2 में वहाँ से पढ़ा हूँ। उसके बाद सर मैंने NIT हमीरपुर से BTech की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 2018 में पास आउट हुआ था, जिसके बाद मैंने तैयारी करने का सोचा और फिर मैंने तैयारी की। और सर मेरे पापा जो हैं वो रिटायर्ड IAS हैं, मम्मी मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन में, और मेरी दो सिस्टर्स हैं जो वर्किंग हैं दोनों। जी सर। जब हम एग्जाम देते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वही ना कि इस पीरियड के लिए हम वेट कर रहे होते हैं कि जब वो वैलिडेट होता है, रिजल्ट आता है, तो हाउ डू यू फील? और ये लास्ट का जो जब से रिजल्ट आया है, कैसा चल रहा है? फैमिली कैसा फील कर रही है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एंग्जाइटी थी रिजल्ट जिस दिन आना था उस दिन आया नहीं, फिर नेक्स्ट डे आया। तो बस इस बार ये था कि बस इस बार थोड़ा रैंक इंप्रूव हो जाए और जो चाहिए वो मिल जाए, तो काफ़ी खुशी हुई। और जो बट ये सर जो सोचा था कि मिलने के बाद बहुत कुछ डिफरेंट होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि बहुत ही लाइफ एकदम से टर्न हो गई है। इट्स लाइक गुड एंड आई एम एंजॉइंग इट। सब घर पे भी खुश हैं सर, बस यही है कि अब जो मिला है उसको अच्छे से करेंगे। मेन चैलेंज तो अब वो है कि हम अपने आपको जस्टिफाई कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद कि नहीं, तो अब वो चीज़ है सर मेन। जब भी सिलेक्शन होता है ना, तो उसके बाद कुछ लोगों की याद आती है ऐसे ना, कि आप किसको श्रेय देना चाहोगे, किसको क्रेडिट देना चाहोगे कि इन लोगों ने आपको ओवर द पीरियड हेल्प किया, सपोर्ट किया, जिस वजह से आप आज यहाँ है? सर सबसे बड़ा क्रेडिट तो नो डाउट कि पेरेंट्स को ही जाता है। पेरेंट्स को मैं मानता हूँ कि वो तो हमारे भगवान से भी ऊपर है। मैं सर जब से तैयारी कर रहा हूँ तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। वो मुझे ज़्यादा काम भी नहीं बताते थे कि वो थे कि तू सिर्फ पढ़ाई कर, जो तुझे दिया है वो कर। बाकी कभी भी कभी एग्जाम्स के रिजल्ट में जब पॉजिटिव नहीं भी आया स्टार्टिंग में, तब भी उनका बहुत रोल रहा कि तू बस पढ़ाई कर, कोई बात नहीं, हम हैं, जितना तुझे टाइम चाहिए कर। तो पेरेंट्स का तो सर मतलब इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। सेकेंडली सर कई फ्रेंड्स भी थे मेरे, जैसे मेरा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है कुणाल सर, फिर मेरे एक शुभम भी फ्रेंड है, तो हम 2-3 लोग थे। हम शाम को घूमने जाते थे, हम डिस्कस करते थे ये भी प्रेपरेशन फेज में, कोई एग्जाम्स डिफरेंट हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं सब। तो थोड़ा ये सर एक दूसरे से बातचीत करना, ये सब रिलैक्स होते थे थोड़े। फिर डेफिनेटली सर सिस्टर्स का बहुत अच्छा रोल रहा है, बहुत उन्होंने भी कॉपरेट किया एंड डेफिनेटली वो भी बहुत मोटिवेट किया उन्होंने भी। और फिर सर जैसे मैं लास्ट ईयर हिपा गया, जब मेरा रैंक 8 आया, उसके बाद वहाँ पे सीनियर्स मेरे मिले, बरवाल सर मिले, फिर दीक्षित राणा सर जो थे वो 1 साल पहले DFSC लगा चुके थे जो मैं लास्ट ईयर सिलेक्ट हुआ था, फिर विपिन सर थे उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स थे मेंस में। तो ऐसे सीनियर्स भी काफ़ी मिले और बहुत लोग आए, इन्होंने थोड़ा बताया कि लास्ट ईयर क्या कमियां रही हैं मेरे एग्जाम्स में, तो कैसे थोड़ा इंप्रूव करना है। तो ओवरऑल सर बहुत लोगों का रोल रहा है, शायद मैं कईयों को अभी याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट मतलब बहुत क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, बहुत लोगों का बहुत पॉजिटिव रोल रहा इस जर्नी में। फ्रेशर्स है ना, बहुत से फ्रेशर्स आपको देख रहे होंगे ना, उन लोगों के लिए अभी क्या मैसेज है इमीडिएटली, कि कोई आपको देख रहा है जो अभी तैयारी शुरू करना चाहता है, उसके लिए क्या वर्ड्स है? सर मैसेज तो यही है कि पहले उनको क्लियर होना पड़ेगा कि उनको इसमें आना क्यों है, क्योंकि ये सर इसकी जो जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो बहुत सिंपल नहीं है, एज इन थोड़ा वो मेंटल प्रेशर आ जाता है तो थोड़ा स्ट्रेसफुल है, लेकिन उसको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम इसमें घुस जाएं तो सबसे पहले हम अपने आप को स्टेबल रख पाएं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम इसमें लगने को ज़्यादा भी लग सकता है, कोई लकी हो तो वो जल्दी भी कर सकता है। तो सबसे पहले तो उनको क्लियर होना चाहिए कि हमें ये सर्विसेज क्यों करनी है। अगर हमें करनी है तो फिर उनको कुछ सोचना नहीं चाहिए, फिर इसमें घुस जाना चाहिए। एंड दे शुड बी रेडी कि जितना मर्जी टाइम लगे तो दे शुड बी रेडी टू गिव देयर बेस्ट, यही है। और अपने आप को स्वॉट एनालिसिस करो कि मैं क्या इसमें सही कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो क्या वीकनेसेस रहेंगे, उनको कैसे इंप्रूव करेंगे। तो अगर डेडिकेशन है तो बस आप घुस जाओ और फिर कुछ मत सोचो, पीछे देखने का टाइम ही नहीं है और कोई मतलब ही नहीं है, बस तैयारी करते रहो। बिल्कुल, वो स्टार्ट करा प्रिपरेशन है ना, यस सर। समय बहुत हो गया है ऐसा होता ना। देखो पहले ETI में सेलेक्ट हुए, और ये तो वो वाला फेज है जब सेलेक्ट हुए है ना, पहले तैयारी करी है ना, यस फिर ETI, फिर UPSC, CAPF में आपको 20 रैंक आया, उसके बाद लास्ट ईयर 8th रैंक आया,
फिर उसके बाद इस बार थर्ड रैंक आया, तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? और ऐसा नहीं कि आपका क्या वो रीजन था, जैसे होता था कि मैं शुरू कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो क्या मोटिवेशन है? सर मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी वो मैंने यूपीएससी के लिए मेनली की थी कि आईएएस की तैयारी करेंगे, आईएएस बनेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के 2 साल दिया सर, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, एचएस का भी दिया, एचएस भी क्लियर नहीं हुआ, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। फिर सर मैंने अलाइड सर्विसेज का एग्जाम दिया, ईटीआई जब मैं लगाया अलाइड के थ्रू, तो सर मुझे था कि चलो जॉब तो है, रेगुलर जॉब है, लेकिन जो चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। फिर मैं सर तैयारी मैंने अपनी कंटिन्यू रखी वहाँ पे सर, लकीली मुझे जो सीनियर्स थे, बॉस मेरे, वो बहुत अच्छे मिले, पूनम ठाकुर मैम थे ईटीओ, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा कि बेटा आप ऑफिस में काम करो, जब आपको पढ़ने का टाइम मिले आप पढ़ाई भी करो, और बहुत उनका पॉजिटिव रोल रहा। फिर सर सेकेंडली जब मैं फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में लास्ट ईयर गया, तो वहाँ पे मेरे जो जॉइंट डायरेक्टर सर थे रविंदर ठाकुर सर, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया कि वही कि ऑफिस के टाइम में आप जो हम कोशिश करेंगे कि आपका जब काम हो जाए तो आप थोड़ा अपना पढ़ाई भी देख सको, और मतलब बहुत सर पॉजिटिव मुझे एनवायरनमेंट मिला। फिर सीनियर्स का बहुत अच्छा रोल रहा, लेकिन जो थिंग थी जो सर मुझे जो मुझे था कि मुझे करना है, वो ये मेन रीजन था कि मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी आईएएस को सोच के, आईएएस नहीं हुआ तो फिर मैं और एग्जाम्स देता गया, तो फिर मुझे था कि अभी अगर मैं इन जॉब्स पे रुक जाऊंगा तो फिर जो मेरा एम था, जो मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज के बाद, वो तो मेरा पूरा हुआ ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से सर वो मोटिवेशन थी कि नहीं जो करना है वो अभी अचीव नहीं हुआ है, तो अगर मैं अभी रुक जाऊंगा तो वो सब मुझे लगा कि जो पिछला किया है वो सब उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ये रिजल्ट नहीं माना जाएगा, ये तो जस्ट आपका एक बैकअप है, अगर आप बैकअप को ही अपना मेन जॉब बना के चलोगे तो आई थिंक वो अपने साथ ही अन्याय होना था सर। तो ये चीज थी कि एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई टू माई सेल्फ कि मैं ये कर सकता हूँ और इसकी ट्राई तो करूँ, तो सर मैं ट्राई करता रहा और लकीली फिर हो गया सर। बिल्कुल, और जैसे प्रिपरेशन कर रहे, तो अभी ऐसे बात करेंगे क्योंकि बहुत लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट करनी है वो देखेंगे आपके वीडियोस, तो उनके लिए ये डिस्कस करेंगे, जैसे पहले प्री की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, फिर मेंस की करते हैं, फिर इंटरव्यू की करते हैं, तो सबसे पहले प्रिलिम्स, कि प्रिलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या माइंडसेट होना चाहिए और क्या सोर्सेज फॉलो किए जाए? सर सोर्सेज की अगर बात करें तो अब तो हम सबको ही पता, जो भी तैयारी कर रहे हैं सबको पता है कि स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर एक चीज जो हम काफी लोग लैक करते हैं स्टार्टिंग में, मैंने भी थोड़ा उस चीज को हल्के में लिया कि हम एनसीईआरटीज को नहीं करते हैं सर, लेकिन वो चीज बहुत जरूरी है। अगर हम एनसीईआरटीज का बेस अपना स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का मुझे लगता है शायद इतना फायदा नहीं हो पाता है। अगर हमारा बेस स्ट्रांग हो तो एनसीईआरटीज पढ़ के हम बेस स्ट्रांग कर लें, उसके बाद अगर हम स्टैंडर्ड बुक्स पर जाएं तो बहुत फायदा रहता है। तो एक तो सर एनसीईआरटी से शुरू करें, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएं, दो एक दो महीने बाद जब आपको लगे कि एनसीईआरटी पे थोड़ी आपको समझ हो गई है, फिर सर वो एनसीईआरटी को मतलब पीरियोडिकली रिवाइज भी करना जरूरी है, लाइक 6 months बाद या 1 ईयर बाद, की तो वो हमारा इंटैक्ट रहे चीजें। फिर सर जब स्टैंडर्ड बुक्स हो जाए तो साथ साथ में हमें न्यूज पेपर भी डेली करना बहुत जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टेज सर, प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूज पेपर्स। तो फिर सर जब न्यूज़पेपर रीडिंग चल रही है उसके साथ साथ आपको और करंट अफेयर्स भी देखने हैं, करंट अफेयर्स सिर्फ न्यूज़पेपर से नहीं होंगे, उसके लिए आपको कोई मंथली मैगजीन वगैरह भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो बेसिकली सर एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, आपको वो डिसाइड करना है कि ये डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, ये करंट अफेयर्स हो गए, ये न्यूज़पेपर होगी, ये बुक्स होगी और ये टेस्ट सीरीज होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि प्रीवियस ईयर पेपर देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जब हम देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि किस हिसाब से ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है। जैसे जो मैंने 2019 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया तो उसमें जो पेपर का लेवल था दैट वाज कंपैरेटिवली इजी, तो लेकिन जैसे अब 2-3 साल में पेपर इवॉल्व हुआ, तो अगर वो कोई बंदा तैयारी कर रहा है वो प्रीवियस पेपर नहीं देखेगा तो वो उसको देख नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि अब किस डायरेक्शन में एग्जाम जा रहा है, तो प्रीवियस पेपर देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। तो यही है, सेकेंड सर टेस्ट सीरीज करें, स्टैंडर्ड बुक्स को बार बार रिवाइज करें, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इंटेलिजेंस गेस वो ऑन द स्पॉट जो आपको प्रीलिम्स वाले दिन करना पड़ेगा, पेपर देख के कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, अगर लेवल टफ है तो थोड़ा सा आप रिस्क लेने से बचें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पेपर इजी है, इसकी कट ऑफ हाई जा सकती है, जैसे 2019-20 में था थोड़ा कि पेपर कट ऑफ हाई, तो उस टाइम फिर आप थोड़ा सा गेस वर्क और इंटेलिजेंस गेस पे आपको रिलाई करना पड़ेगा, जहां पे रिस्क है लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और आप सोचो कि ये मेरी 100% एक्यूरेसी है तो वो भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं जहां पे आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो या फिर कई बार 1 एलिमिनेट करने के बाद भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है कि रिस्क लेना पड़ता है, तो वो सब सर ये चीजें डायनेमिक्स ही हैं, ये मोटे मोटे में अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि पेपर वाले दिन क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और जनरली उससे पिछले 3-4 महीने की हमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये सर इवन जैसे प्रिलिम्स है
ना उसमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि एक तो ना जैसे आपने बताया कि कंटेंट हमने तैयार करना है जिससे पेपर से पूछा जा सकता है, पर दूसरा है होता है जो एमसीक्यूज है ना, तो कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने की आपकी क्या अप्रोच थी, जैसे टेस्ट करते हैं है ना, इन जनरल भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और वो कौन सा स्किल किस तरीके से अपनी ना स्किलिंग की जाए कि हम अच्छा परफॉर्म करें। सर मेरा जो अप्रोच थी, मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट तो नहीं करता था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मेरा ये था कि मैं एग्जाम सारे देता था सर। मैंने सर एसएससी सीजीएल दिया, वो मेरा क्लियर हुआ, एसएससी सीपीओ मैंने दिया, फिर असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम मेरा निकला, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सर 5-6 एग्जाम्स दिए, तो सर उससे मुझे पता लग गया कि ब्रॉडली किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नो डाउट यूपीएससी सीएससी में वो लेवल थोड़ा अलग है, सीजीएल में थोड़ा लेवल अलग है, एचएस में अलग है, लेकिन आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपको फिर जैसे आप कुछ चीज स्टडी कर रहे हो, सपोज पॉलिटी में आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, तो आपको एनालाइज हो जाएगा कि प्रेसिडेंट में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कि उसका आर्टिकल कौन सा है, उसकी ये पावर्स में एक्सेप्शन क्या है, कौन कौन से केसेस हुए हैं, इमरजेंसी पावर कब कब लगी है, मतलब आप इवेंचुअली आपको धीरे धीरे 1-2 साल में आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सर ऐसे ही जब आप सारा सिलेबस करोगे, सारा तो इवेंचुअली हो नहीं पाता, बट 80-90% जब आपका सिलेबस हो जाए तो वो आपको पता लग जाता है कि ब्रॉड टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंडली फिर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसकी हेल्प भी लो, कई बार तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस बार भी 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्ट एचएस में रिपीट थे, तो सर ये है कि प्रीवियस ईयर देखो और थोड़ा और एग्जाम्स भी देखो, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो आपको अच्छे से करनी ही पड़ेंगी, तो यही है सर। और जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स थे है ना, तो हर सब्जेक्ट के लिए मतलब क्या अप्रोच आपकी कैसी थी, कि थोड़ा डिफरेंट रही, कि मतलब ना अप्रोच कैसे किया सब्जेक्ट्स को? सर हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि सपोज हम एचएस की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं कि एचएस में कौन सी जगह से ज्यादा पार्ट आ रहा है। जैसे हमें पता है कि हर साल बजट और इकोनॉमिक सर्वे से 2-4 या 5-6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो अगर हम उस चीज को छोड़ के जाएंगे तो वो एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा। वैसे ही हर साल 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हिमाचल के आने ही आने हैं, वो कई बार 20 से 25 भी हो जाते हैं, एक बार हुआ था कि 25 तक क्वेश्चन पहुंच गए थे, तो कई लोग हिमाचल वाला पार्ट इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में। मेरा भी हिमाचल वाला पार्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब मेरे 2 प्रीलिम्स स्टार्टिंग में नहीं निकले, मुझे लगा, फिर मैंने जगमोहन बलोखरा की बुक ली, उसको डेडिकेटली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनको लाइन बाय लाइन उनके पढ़ा, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज जो है इनको हम मिस नहीं कर सकते। अगर हम मिस करेंगे फिर, क्योंकि और लोग सब उनको कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक स्टेप खुद ही पीछे ले रहे हो, तो वो चीज गलत है। तो सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा कि जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, इस बार बहुत क्वेश्चंस थे, तो वो थोड़ा ट्रेंड भी इवॉल्व हो रहा है, तो जनरली सब्जेक्ट को देखो कि जैसे पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आने ही आने हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली इजी हैं, तो वो स्कोरिंग क्वेश्चन हमको आपको मिस नहीं करना है। हिस्ट्री इस बार एंशियंट हिस्ट्री बहुत टफ आ गई थी, तो उन वैसे क्वेश्चन को छेड़ के फायदा भी नहीं है कि जो किसी को भी नहीं आते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी एक तो ओवरऑल होनी चाहिए, दूसरी हमारी एग्जाम में भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें कैसा परफॉर्म करना है, वो उसी टाइम हमें देख के एनालाइज करके पता लगेगा कि क्या हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट को एनालाइज करो कि किस में कितनी वेटेज है, किस सब्जेक्ट को पढ़ के फायदा है, किस में इनपुट डाल के ज्यादा आउटपुट मिल सकती है, तो वैसे सर ये ब्रॉड है। और कॉमन मिस्टेक्स कहते हैं बहुत ना, कि खुद से भी होती है गलती है, या हम इन जनरल देखते हैं कि प्रिपरेशन, जब आप प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स जो स्टेज है ये ज्यादा टफ और अनप्रिडिक्टेबल है, मेंस को फिर भी हम प्रेडिक्ट कर जाते हैं, तो उस क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सर, मुझे भी लगता है कि प्रीलिम्स अब थोड़ा ज्यादा टफ हो चुका है, क्योंकि इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी थोड़ी कम होती जा रही है, हमें पता नहीं लग रहा है। जैसे लास्ट के 2-3 साल के अगर हम पेपर्स देखें तो हर साल डिफरेंट पेपर आ रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स हमारी एक तो ये होते हैं कि जो हमारी रिविजन है वो हमें लगता है कि हमने एक बार पढ़ लिया, हमें याद हो गया, बट वो जब हम पेपर में उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि थोड़ी सी टेस्ट सीरीज अगर आप 5-10 टेस्ट भी एक सब्जेक्ट के लगा लो, या फिर ओवरऑल ही लगा लो, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये मुझे रियलिटी में है, आता है कि नहीं आता है। एक तो कॉमन मिस्टेक ये होगी। सेकेंडली कई बार हम पेपर में जब बैठते हैं प्रीलिम्स में, तो हम बहुत ओवरवेलम्ड सा हो जाते हैं कि 90-95 अटेम्प्ट कर देंगे, चाहे जो भी है देखा जाएगा। थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग से भी बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से तो फिर बनी बनाई गेम बिगड़ जाती है, तो ये हो गया। और सर ब्रॉडली न्यूज़पेपर रीडिंग भी मिस नहीं करनी चाहिए, उसमें भी करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो ये सब चीजें हैं सर। इन चीजों को जितना अवॉइड कर सकें उतना, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। और मेंस की जैसे हम बात करते हैं, कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी और कैसे अप्रोच किया क्वेश्चंस को? सर पहले तो मेरे लिए प्रीलिम्स बहुत बड़ा रोड ब्लॉक रहा, तो लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स निकला, तो उस टाइम मुझे एक्चुअली मेरी तैयारी इतनी मेंस की थी नहीं, क्योंकि पहले मेरे लिए प्रीलिम्स ही बहुत बड़ी चीज थी, तो
तो मेंस जैसे मेरा मुझे लगा कि मैंने इस बार मेंस लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि अब फटाफट से मैंने टॉपिक्स देखे कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं मेंस में। तो मैंने ऐसा किया कि जो टॉपिक्स मुझे लगता था जैसे पॉलिटी के टॉपिक्स थे कि इनमें शायद स्पेशली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने नहीं छेड़े, मैंने कहा इनको बुक से ही कर लूंगा। लेकिन कई टॉपिक्स थे GS 3 में, GS 1 में, जो हर साल रिपीट हो रहे हैं और उनसे हर साल क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने उनका जितना मुझे 1-1.5 महीने का टाइम मिला, मैंने फटाफट से कोई 1 महीने में कोई 50% सिलेबस या का 40% सिलेबस के मैंने नोट्स बना लिए ताकि वो मेंस में मैं रिवाइज कर पाऊँ। नो डाउट काफी नोट्स मिस मतलब नहीं बना पाया मैं, क्योंकि टाइम कम था। लेकिन मेंस के लिए मैं यही बोलूंगा कि टॉपिक वाइज देखो उसको, कोई ऐसा नहीं कि आपको एक बुक लाइन टू लाइन पढ़नी है, सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ो उसके 1-2 पेज के नोट, या फिर मैं तो डिजिटल नोट्स भी काफी बनाता था, तो डिजिटल नोट्स अगर आपके बन जाए तो वो रिवाइज, बस वो लास्ट में वो रिवाइज करने हैं। तो टॉपिक वाइज नोट्स बना के बेटर है रादर देन डूइंग सब कुछ ही आप कर रहे हो, क्योंकि सारा मेंस में प्रीलिम में तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, मेंस में थोड़ा सिलेक्टिव हो जाता है। और अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको पता लग रहा है कि हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है, जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट पूछ रहे हैं, कभी बायोडाइवर्सिटी एक्ट पूछ रहे हैं, तो वो चीजें अगर आप फिर भी नहीं करके जा रहे हो तो वो सही नहीं है फिर। ठीक बात। और जैसे मेंस की आंसर राइटिंग जब हम कर रहे हैं तो कैसे उस चीज को अच्छा करें, कैसे अपना आंसर अच्छे से प्रेजेंट करें? इसके लिए सर बेस्ट तो ये चीज है कि हमारे पास कंटेंट पहले अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे पास कंटेंट ही इतना नहीं है तो फिर हम चाह के भी उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो जो वही है कि टॉपिक वाइज आपके नोट्स बने हैं उस पर आप अपना कंटेंट अच्छे से तैयार कर लो। सेकेंडली सर उसमें वैल्यूएशन करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। जैसे जो मेरे लास्ट ईयर के नोट्स थे, इस साल के जो मेरे नोट्स हैं, तो उसमें काफी चीजें जैसे लास्ट एक आधे साल में हुआ है कि कोई एनजीओ का, जैसे एनजीओ एक टॉपिक है, तो एनजीओ में क्या क्या नया हुआ, एनजीओ कोई अवार्ड मिला है, या फिर कोई एनजीओ जो फॉरेन फंडिंग में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के ने जिन पर बैन कर लगाया है, तो वो सब चीजें जो करंट में हो रही है, करंट में कौन सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वर्ल्ड बैंक की क्या स्टडी है, फिर कोई कमीशन बना है रिसेंटली, कोई कमेटी बनी है, जैसे PDS के लिए शांता कुमार कमेटी थी तो वो 3-4 साल से काफी न्यूज में चल रही थी। तो जो ये सब चीजें, इनको अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोई स्टेटिक पार्ट तो वही रहेगा, लेकिन अगर आप इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे मेंस में तो इवेंचुअली वो होलिस्टिक आता रहेगा आंसर। तो मेंस में जो आंसर बना रहे हो आप, जो अपने नोट्स बना रहे हो, उसमें वैल्यूडेशन करते रहो, क्योंकि आज के जो नोट्स हैं वो 2-3 साल बाद उनकी इतनी रिलेवेंस नहीं रहेगी, क्योंकि अगर उसमें वैल्यूडेशन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा एडवांटेज उसकी कम हो जाएगी। तो वैल्यूडेशन बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम अपने नोट्स में। सेकेंडली मेंस के लिए फिर वही है कि आप टेस्ट सीरीज लिखो ताकि आप अपनी स्पीड चेक कर सको, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं GS 1 का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया था लास्ट ईयर, तो वो मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा था कि मार्क्स में ऑटोमेटिकली 20-30 मार्क्स जाना खींच सकता था, वो कम हो गए। तो आंसर राइटिंग से कंटेंट तो आपका एक्सप्रेस होगा ही होगा, लेकिन साथ में स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ओवर द पीरियड है ना, आपका जैसे स्ट्रैटेजी कैसे चेंज, पहला तो कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि जैसे आपने एग्जाम दिया, जैसे बोल रहे कि एक जैसे छूटा आपका पेपर में क्वेश्चन, तो GS 1 तो उस टाइम रियलाइजेशन हुई अच्छा ये इश्यूज है। तो वही ना कि ओवर द पीरियड जब आप एक्चुअल में पेपर लिख रहे हो मेंस का, तो कैसे आपने क्या क्या चीजें एनालाइज करी और फिर किन चीजों पर इंप्रूवमेंट करी, कैसे वो स्ट्रैटेजी आपने चेंज करी उस चीज पे कुछ सर बताए। पहला तो ये था लास्ट ईयर जैसे मैंने कोई टेस्ट सीरीज कुछ नहीं लिखी थी, तो मैंने डायरेक्टली पेपर में जाके लिखा, देखते हैं क्या है। तो वहां पे जो मैं 20 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल ही छूट गए। एक क्वेश्चन में मैं सिर्फ 1 पेज भर पाया था और एक 8 नंबर का क्वेश्चन भी छूट गया साथ में, मतलब बहुत ज्यादा छूट गया था। तो मुझे ये लगा कि क्वेश्चन छोड़ना तो एक बिल्कुल सुसाइडल थिंग है। तो GS 2 का पेपर जब मैंने पिछले साल ही नेक्स्ट दिया, तो मैं फिर मैंने कंटेंट तो कोशिश बनता की होती कि अच्छा हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे था कि कंटेंट इतना अच्छा नहीं भी जा रहा, बट एटलीस्ट आई शुड कंप्लीट द पेपर। तो एक तो मुझे यह था कि मैंने पेपर पीछे से स्टार्ट किया, पहले 20 नंबर वाले क्वेश्चन कंप्लीट किए ताकि साइकोलॉजिकल एडवांटेज मुझे मिल जाए कि एटलीस्ट अगर पेपर छूट भी रहा है, 4 नंबर के क्वेश्चन छूटना इतना पेनफुल नहीं है अगर 20 का मैं छोड़ दूं तो। एक तो मैंने पेपर करना उल्टा स्टार्ट किया। सेकेंडली जो 4 नंबर के क्वेश्चन, अगर उनमें अगर आपको टाइम नहीं भी बचता है, तो मेरी स्ट्रेटेजी होती थी कि चाहे आप 4 पॉइंट्स लिख दो, 4 लाइनें लिख दो, बट वो खाली नहीं जाना चाहिए। अगर आप 4 पॉइंट्स में रेलिवेंट लिख रहे हो सकता है आपको 4 में से 1 या 1.5 नंबर मिल जाए, खाली छोड़ने से तो फिर डेफिनेटली बेटर है। तो एक तो पेपर मैंने उल्टा करना शुरू किया। सेकेंडली मेरा अब ये था कि चेक कंटेंट बहुत अच्छा नहीं आ रहा, बस मुझे पेपर भरना है, थोड़ा बस वो रेलिवेंट हो, बिल्कुल आउट ऑफ द वो लिख के तो फायदा नहीं है, रेलिवेंट लिखना है। बट ये नहीं, फर्स्ट पेपर मेरा था कि बिल्कुल बेस्ट लिखो बेस्ट लिखो, वो इवेंचुअली हो नहीं पाता है। आपको 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हार्डली आपके 10-15 क्वेश्चन अच्छे होते हैं, उसके 10 क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा ऐसे मिक्स सा ही लिखना पड़ता है। तो उस चीज पे भी ज्यादा नहीं हमें होना चाहिए कि बहुत ही बेस्ट लिखना है हर पेपर, यू नीड टू कंप्लीट अ पेपर, और वो होलिस्टिक होने चाहिए आंसर जितना हो सके, वही है सर। और आंसर को ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल करने के लिए आप क्या करते थे?
सर अट्रैक्टिव का तो मैंने ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बस ये था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो पढ़ लें, तो उसके लिए बस मैंने एक जो स्टैंडर्ड था वो था कि अंडरलाइन में बहुत करता था। अगर किसी क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन नहीं किया तो मुझे लगता था कि वो शायद उतना सही नहीं हुआ है, तो अंडरलाइन मैंने बहुत करनी। कोई बहुत बड़ी हेडिंग है तो शायद कई बार मैं बॉक्स भी बना देता था, तो अंडरलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेन आंसर राइटिंग सर। और जैसे हम एसे की बात करते हैं, तो एसे के लिए कैसे प्रिपेयर करें और कैसे वो अप्रोच रखी जाए, क्योंकि कंसिस्टेंट पीस ऑफ राइटिंग हमने प्रेजेंट करना है, उसके लिए कैसे तैयारी करें? सर एसे के लिए तो ऐसा है कि एसे राइटिंग वही है लाइक मीन्स आंसर राइटिंग, इट कैन नॉट बी डेवलप इन 1 डे और 2 डे, वो तो 3 4 साल है जितने भी आप करो, मेरे इवेंचुअली डेवलप हुई। एक तो सर मैं न्यूज़पेपर रीडिंग रोज करता था, तो मुझे लगा कि उससे मुझे बहुत फायदा मिला कि एक एक्सप्रेशन कैसे डालने हैं, कैसे लिखना है, एडिटोरियल्स पढ़ के आपको पता लगता है। तो साथ में एसे में हमें होता है कि साथ में थोड़ी कोट्स वगैरह डाल दें, अगर हमें सबको पता है कोट्स डालनी है लेकिन कौन से डालनी है कैसे डालनी है वो थोड़ा देखना पड़ता है कि रेलिवेंट बने और एग्जामिनर को समझ आए। जैसे लास्ट डे सर मेरा एसे का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, बहुत कोर्स वगैरह डाली लेकिन मेरे एसे में मार्क्स काफी कम आए, तो मुझे इतना पता लग गया कि शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। तो एसे के लिए जो आपका मटेरियल है दैट शुड नॉट बी वेरी वेरी फैंसी, इट शुड बी लाइक कॉमन सा हो, थोड़ा सा फैंसी चले, बीच बीच में अप डाउन चलते रहे, मतलब जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहे। ऐसे आपने बहुत ही कुछ ऐसे लिख दिया वो उसको ही अच्छा नहीं लगा तो उसका फायदा नहीं है। इट शुड बी टोटली न्यूट्रल, पॉलिटिकल बायसनेस कुछ नहीं होनी चाहिए उसमें, कोई मतलब यूनिवर्सल सा फैक्ट्स वगैरह आप डालो उसमें, कोई स्टैट्स डालो, डाटा डालो, कोट्स। जैसे मैं सर कोई अखबार मुझे अच्छी लगती थी वहां से, कोई सोशल मीडिया पे मिल गई, तो अभी तक मेरे पास कोई 60 70 कोट्स ऐसे तैयार हैं जो फाइनली पेपर मैंने उनसे कोई 10 15 प्रोड्यूस कर दी थी। पहले पेपर मैंने इस बार मैंने फर्स्ट पेपर में तो 6 7 कोट्स डाल दी थी और दूसरे में मैं 4 तक ही डाल पाया, बट वो मुझे लगता है कि जबरदस्ती कोट्स घुसाना भी वो नहीं है, कंटेंट इज मेन थिंग। कोट्स तो सर वहां पे जब आपको लग रहा है ऐसे थोड़ा बोरिंग हो रहा है अब थोड़ा कोड डाल देते हैं ताकि इंटरेस्ट वापस बना रहे, और बाकी जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जैसे हर साल कहीं ना कहीं हमें पता है कि मेन जो टॉपिक्स हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वीमेन, इस साल भी इवन वीमेन पे क्वेश्चन आया था ऐसे में, तो इन पे अगर हमारे पास डाटा ऑलरेडी हो, स्कीम्स ऑलरेडी हो, फॉर्डर मटेरियल ऑलरेडी हो, तो वो काफी ईजी हो जाता है हमारे पास डेवलप करना वहां पे। जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत हॉट टॉपिक है, फिर जो पॉलिटिकल साइंस के इश्यूज रहते हैं जैसे इलेक्शन रिफॉर्म्स वगैरह हो गए, पंचायती राज, तो ये 10 12 टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनमें से एक ना एक टॉपिक तो आपको पक्का फंस ही जाएगा पेपर में। इन पे अगर बस आपके मटेरियल तैयार हो तो वो एक आपको ऑटोमेटिकली एडवांटेज मिल जाएगी, ऐसे के लिए ये ठीक रहता है सर। सही बात है। और इसे ओवर द पीरियड से इंटीग्रेशन हम कर रहे होते हैं टॉपिक्स की, एसे की, और कहीं ना कहीं फिर मूव कर रहे होते हैं कि वो ओवरऑल इंटरव्यू में चीजें प्रेजेंट हो। तो इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहां पर क्या क्या चीजें उन्होंने पूछी? इंटरव्यू का तो सर काफी इस बार 1 घंटा इंटरव्यू चला, लास्ट ईयर जो मेरा एचएस का इंटरव्यू था वो सिर्फ 25 30 मिनट चला था, क्योंकि लास्ट ईयर सबके सर 20 20 30 मिनट्स के आसपास चल रहे थे, लेकिन इस बार 1 घंटे का इंटरव्यू चला तो बहुत ग्रिलिंग हुई सर। मेरे नाम के बारे में से पूछा, उसके होलिस्टिकली पूछा, इतना मुझे खुद नहीं पता था अपने उसके बारे में, बट वो धीरे इवेंचुअली हो जाता है डेवलप कर करके। फिर प्लेस के बारे में पूछा, हर के बारे में, वो मैं अच्छे से प्रिपेयर करके गया था तो वो हो गया। फिर मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर 1 साल रहा हूँ तो उसके बारे में पूछा, वो भी मैं प्रिपेयर करके गया था। फूड सिविल सप्लाई का पूछा, देन में से सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। बट सर मुझे जो एडवांटेज लगी कि इंटरव्यू में, एक्चुअली मैंने एक तो यूपीएससी सीपीएफ का इंटरव्यू दिया था तो उसमें जैसे मेरा रैंक 20 आया था, तो मुझे एक तो थोड़ी सी वैसी एडवांटेज थी कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आया हूँ तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ टैकल हो जाएगा। फिर लास्ट ईयर में मैंने एचएस का इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा ये तो मैं एक बार ऑलरेडी एस कर चुका हूँ तो शायद थोड़ा साइकोलॉजिकली सर अगर हम अपना कुछ पॉजिटिव रखें तो वो ऑटोमेटिकली बहुत हमारा कॉन्फिडेंस हाई चला जाता है। फिर लास्ट ईयर मैंने 5 मॉक दिए थे, इस बार मैंने 3 मॉक दिए, तो इंटरव्यू के लिए मुझे ऐसा था कि हो जाएगा, बस अगर बस वहां पे ये कि बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करना है, जस्ट नेचुरल रहना, तो वही किया सर कि जस्ट मुझे 2 3 बार पोक भी किया गया कि जैसे उन्होंने बोला कि यू आर नॉट लॉयल टू योर सर्विसेज, पहले आप ETI रहे, फिर आप CAPF में जाने की सोच रहे थे, फिर आप HSLID में हो, अब आप HS में आ रहे हो, कल को आप UPSC में चले जाओगे। तो फिर मुझे अपना वहां पर स्टैंड जस्टिफाई करना था कि मैं लॉयल हूँ, मैं अपने हिसाब से अगर जॉब अच्छी कर रहा हूँ, जॉब के बाद मैं पढ़ रहा हूँ, तो दैट इज नॉट, दैट कैन नॉट बी लिंक्ड विद देन विद लॉयल्टी और नॉट। तो फिर वो मतलब थोड़े सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए, थोड़े एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन आए, बट वो ये था कि आपका जो स्टैंड है वो फर्म रहना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि ये ऐसा नहीं कि हम ये बोल रहे हैं तो इधर चल जा रहा है, ये बोल रहे हैं इधर चल जा रहा है, जो आपका स्टैंड है वो फर्म रहना चाहिए। और आपका मतलब दे टेस्ट यू ऑल्सो, नॉलेज तो टेस्ट होती होती है, एथिकली भी आपको टेस्ट करते हैं, तो अगर आप इंटरव्यू में चाहे आप एथिकल हो या ना हो, बट इंटरव्यू तो यू हैव टू बी एथिकल, तो ये चीज है। बात है।
जब क्वेश्चन आ रहे थे जैसे इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे, तो पहले जैसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, बहुत बच्चे इस पे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो कैसे ना क्या चीजें ध्यान में रखी जाए, जैसे हॉबीज हैं ना, क्या लिखें, सेल्फ असेसमेंट उसको कैसे भरे, तो इन चीजों को आपने कैसे फिल किया था? एक्चुअली सर, मेरा डेफ जो था वो 2020 में जब मैंने इसका सीपीएफ का इंटरव्यू दिया था, 2021 में, तो वो मेरा तभी से तैयार था। तो सर मैंने एक्चुअली ये था कि वो चीजें ही मतलब मेरा डेफ 2-3 साल से सेम ही है, तो मैं उसका ऑलमोस्ट एवरीथिंग मुझे पता था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो मुझे वो एडवांटेज है कि बिल्कुल वो 2-3 साल से मेरा फिक्स है डेफ। सेकेंडली सर, मैंने हॉबीज ऐसे चूज की थी जिसमें मैं इतना फंसने के चांसेस कम थे। जैसे मैंने साइकिलिंग लिखी थी तो मुझे पता था कि साइकिलिंग पे मैं कर ही लूंगा। जैसे मेरे से क्वेश्चन बनते थे कि साइकिलिंग क्यों आपकी हॉबी है, उसको आप साइकिल को आपने चूज करना है, किसी को देनी है, तो क्या उसके वो होने चाहिए, उसके मेजर टूर्नामेंट्स हो गए, हिमाचल में क्या स्कोप है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स से। फिर ट्रैकिंग था, ट्रैकिंग के लिए मैंने सारे ट्रैक्स, एक तो मैं कॉलेज टाइम में करता था थोड़ा वो था, फिर थोड़े हम हिमाचल में जो पासिस वगैरह हैं वो, तो ऐसी ट्रैक ऐसी हॉबीज मैंने चूज की थी जिसपे मैं जस्टिफाई कर सकता था। तो वही मैं बोलूंगा, जैसे कोई बंदा कोई चेस खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, तो वो ऐसी हॉबी रखे जिसमें उसको पता है कि उसका अपर हैंड है। अगर आपका अपर हैंड है तो आपको इंटरव्यूअर जितना मर्जी ग्रिल करे आप नहीं ग्रिल होंगे। तो हॉबीज ऐसी चूज करनी चाहिए। और वही है कि अगर आप अपने डेफ पे जब आप 2-3 साल से वही, जैसे मेरे केस में वही था, तो मुझे इतना था कि इसमें क्या ही पूछ लेंगे मेरे से, कितना ही कर लेंगे, 10-20% अगर खराब हो जाएगा 80% तो मैं जस्टिफाई कर ही लूंगा। तो इवेंचुअली सर वही हुआ कि ठीक, लास्ट में भी बढ़िया हो गया था, इस बार भी अच्छा ही हो गया था। जो लोग लिख रहे होते हैं जैसे सेल्फ असेसमेंट में, बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम क्या लिखें, कैसे भरें, मतलब उन लोगों के लिए क्या सजेशन है, कैसे अपना सेल्फ असेसमेंट भरा जाए? सर एक तो ये है कि हमें उसमें जितना हम ऑनेस्ट लिखें उतना सही रहता है, ज्यादा हमें ब्राउनी पॉइंट्स लाने की जरूरत नहीं कि मैं वो करूंगा ये करूंगा। मेरा सिंपल था कि मुझे पब्लिक सर्विस करनी है, करियर प्रोग्रेशन बेटर है, तो ऑनेस्टी भी आपकी दिखना जरूरी है और उसको आप जस्टिफाई कर सको। तो जैसे मेरा एक था कि करियर प्रोग्रेशन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी, अदरवाइज मुझे 10-15 ईयर्स तक वेट करना पड़ता फॉर नेक्स्ट प्रमोशन इन टू HS। तो मेरा ये था कि एक तो करियर प्रोग्रेशन बहुत है, सेकेंडली अगर मैं HS वाले लेवल पे आता हूँ तो पब्लिक सर्विस का होराइजन डेफिनेटली वाइडन अप हो जाते हैं। तो सिंपल सर, जितना है अपना ऑनेस्ट रहो, जो है उसको जस्टिफाई करो, ज्यादा अच्छा बड़ी वो लिखने का नहीं है कि मैं वो करूंगा ये करूंगा सिस्टम चेंज करूंगा, वो सब चीजें सर इतनी मुझे लगता है कि इंटरव्यू को इतनी इंप्रेस नहीं करती। जस्ट स्टे ऑनेस्ट, दैट इज अ मेन थिंग सर। और जैसे हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, या मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए, वही होता है ना कि एक फ्रेशर है, इतनी चीजें सोचता है जो प्रिपेयर कर रहा होता है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती है, उन्हें अपने आप को ओवर द पीरियड मोटिवेटेड कैसे रखे और अपना टाइम कैसे, क्योंकि देखो दो इश्यूज बड़ा रहता है, एक तो मोटिवेटेड कैसे रहूं और दूसरा टाइम कैसे मैनेज करूं, इन दो चीजों पर सर जैसे। मोटिवेशन लेवल तो आपको अपने से ही लाना पड़ेगा, उसका कोई सब्सिट्यूट है ही नहीं। अगर हम सोचें कि हमें उसको प्रूव करना है, इसको दिखाना है, तो इवेंचुअली वो 1-2 मंथ आप रख पाओगे, उसके बाद नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप सोचोगे छोड़ो और उनके प्रूव करना, तो एट द एंड सर जब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपने स्टार्ट क्यों किया है और आप क्या चाहते हो अपने आप से। मुझे क्लियर था कि सर अगर मेरा इस साल भी HS नहीं होता तो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर से देना था, क्योंकि मुझे पता था कि शायद मैं तब तक नहीं रुक सकता जब तक मुझे ये वाली सीट नहीं मिले। तो आपको जब तक क्लैरिटी अपने माइंड में लानी पड़ेगी। अगर सर जस्ट आपको जॉब लेनी है तो वो डिफरेंट चीज है सर, लेकिन आपने सोचा है कि मैंने इसलिए सर्विसेज करनी है और वो एक सॉलिड रीजन है, तो आपको नो डाउट मोटिवेशन कम तब भी होगी, लेकिन वो इतने लेवल पे नहीं गिरेगी कभी कि आप छोड़ ही दो या तैयारी ना करो। तो एक तो अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन मोटिवेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो वो आप कंटिन्यू करते रहोगे। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे सर मैं भी बहुत बार कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था, तो मेरा ये होता था कि एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो दिन में 1-1.5 घंटा लगा के अपना न्यूज़पेपर अच्छे से कर लो, कि एटलीस्ट पता लग चल रहा है कि क्या चल रहा है दुनिया में, और उससे थोड़ा बंदा कनेक्टेड फील करता है। तो मोटिवेशन तो अपने आप से ही लानी पड़ेगी, वो खुद से आपको सोचना पड़ेगा कि हमने स्टार्ट क्यों किया है। अगर वो आप क्लियर नहीं हो, तभी मैं स्टार्टिंग बोलता कि क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है कि स्टार्ट करना क्यों है। अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो इवेंचुअली थोड़ा मुश्किल हो जाता है कवर करना, डिस्टेंस जर्नी लंबी है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है सर। और डिस्ट्रैक्शंस बहुत है चीजें ना, कि रोज कुछ ना कुछ आ रहा है, फोन है, लोग कुछ बोल रहे हैं, और उस पहली चीज की ये डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे और दूसरा वो टाइम कैसे मैनेज करें। सर डिस्ट्रैक्शंस तो जैसे मेरे केस में था, मैं तो 2018 से सोशल मीडिया पे बिल्कुल था नहीं सर। मैंने जब लास्ट ईयर मेरे HS का 8th रैंक आया था, उसके बाद मैं थोड़ा एक्टिव हुआ था, तो 3-4 साल में बिल्कुल सोशल मीडिया से कट ऑफ रहा। तो एक तो सोशल मीडिया आपको आपको थोड़ा मैनेज करना चाहिए, बट मैं सर ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। अगर आप उसको सर थोड़े पॉजिटिव वे में यूज करो तो इट इज ऑल्सो गुड, तो यू कैन लर्न फ्रॉम फेसबुक इंस्टाग्राम ऑल्सो। बट वो है कि आप पे डिपेंड करता है आप यूज कैसे करो।
यूट्यूब इज़ वेरी वेरी यूजफुल अगर उसको अच्छे तरह से यूज़ किया जाए। सर मैं उस पर बहुत लेक्चर्स न्यूज़ वगैरह बहुत सुनता था। तो डिस्ट्रैक्शंस को सर वो हमें हम पे डिपेंड करता है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अपने पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें। डिस्ट्रैक्शंस तभी अराइज होंगे अगर हम हमारे मतलब हमारी मोटिवेशन लेवल अगर डाउन जाएगा फिर डिस्ट्रैक्शंस उसको ओवर पावर करेंगे। तो पहले तो अपने मोटिवेशन लेवल इतने हाई अगर हम रखें कोशिश करें, डिफिकल्ट होता नो डाउट बट कोशिश करें कि बस करते रहना है, कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा है तो कभी घूमने चले गए कहीं, दोस्तों से मिल लिए, हफ्ते की ब्रेक ले ली, मतलब छोटी छोटी चीज़ें सर वो पर्सन स्पेसिफिक होती हैं। किसी बंदे को सर वो 2-4 घंटे मॉल रोड पे घूम के वो फ्रेश हो जाएगा, कोई हो सकता है 1 हफ्ते का ट्रिप मार के आए उसको फ्रेशनेस हो। तो बट वो है कि जो आपका बेसिक एम है उसको दिमाग में रखो हमेशा। एंड मैं तो सर ये बोलता हूँ, मेरा तो ये था कि उसको मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया था कि जो मुझे करना है कि ये आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ये नहीं जैसे हम जैसे खाना खाते हैं तो हम पता ही हम दिन में लंच करना ही है, डिनर करना ही है, तो वैसे हमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि दिन के 2-3 घंटे ये करना ही करना है। अगर हम उसको लाइफ स्टाइल मानेंगे तो उससे हमारी टेंशन कम होगी, सेकेंडली वो हमारे एक पार्ट बन जाएगा लाइफ का, तो उससे वो स्ट्रेस भी नहीं आएगा बिल्कुल भी, वो खुद ही इवेंचुअली होता रहेगा और हम उसको एंजॉय करेंगे प्रोसेस को। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है सर। अभी जैसे तैयारी कर रहे हैं तो प्लानिंग का कितना रोल, जैसे होता है कि अपने दिन को मैनेज करना, माइक्रो मैनेज करना और ओवर द पीरियड उसको प्रोजेक्ट करना कि भाई इतने महीने बचे हैं अब इसको ऐसे ऐसे मैंने प्लान अप करना है, प्लानिंग का रोल और कैसे आपने प्लान किया था? सर ऑनेस्टली बताऊं तो प्लानिंग मेरी बहुत खराब रहती थी और इवन अब मेरी सिलेक्शन भी हुई लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा कि आई वॉज ओनली एबल टू अचीव माई 20-30% ऑफ माई प्लानिंग और जो मैंने गोल्स रखे होते थे। बट मेरा ये होता था कि चलो कोई बात नहीं, जो मैंने सोचा था कि 4 घंटे में करना है अगर उसके लिए 6 घंटे भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं। मतलब मुझे ऐसा था कि वो चीज़ बस ग्रास्प हो जाए। अगर मुझे 1 हफ्ते में करना था वो 15 दिन लग रहे हैं, नो डाउट वो आगे फिर सारा पाइलअप होता रहता है। लेकिन सर बस रुकना नहीं था, मेरा तो ये था कि बस करते रहो करते रहो। प्लानिंग कई लोगों को होता है कि टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे सर, बट मुझे बचपन से ऐसे आदत नहीं थी। तो मेरा ये होता था कि जब मेरा मन करता था मैं उस सब्जेक्ट को उठा लेता था। सपोज मैंने सोचा कि कल मैं पॉलिटी पढ़ूंगा, लेकिन मैं सुबह उठा मेरा बिल्कुल मन नहीं पॉलिटी पढ़ने का, तो मैं फिर सर मॉडर्न हिस्ट्री उठा लूंगा। तो वो सर थोड़ा वैसे आइडली देखा जाए तो वो सही नहीं है, बट मेरे लिए सर वो काम कर जाता था क्योंकि मुझे था कि मुझे पढ़ना है। जो 3-4 घंटे का टाइम पढ़ने के लिए वो जरूरी नहीं कि पॉलिटी ही पढ़नी है या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। ऑप्शनल का मन करे तो ऑप्शनल कर लो। टाइम टेबल सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपका मेंस आ रहा है, मेंस का आपके 1 आधा महीना बचा, उस टाइम आपको स्टिक करना पड़ेगा। उस टाइम चाहे आपका 1 घंटे में वो या 2 घंटे में उतना टॉपिक नहीं हो रहा, देन यू हैव टू लीव इट, या फिर उसको फटाफट स्किमिंग करो। क्योंकि मेंस के टाइम अगर आप छोड़ दो वो चीज की नहीं जो 1 घंटे में करना है उसको 4 घंटे लगना, फिर वो सिलेबस कंप्लीट होना मुश्किल होता है। लेकिन आफ्टर ऑल मैनेजमेंट ऑल्सो सर तब भी 70-80% से ऊपर करना किसी भी चीज में बड़ा मुश्किल होता है। तो सर मैं तो ये बोलूंगा कि डेफिनेटली टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए, बट जिसको जैसा सही लगता है वैसा करना चाहिए। मैंने आज तक कभी टाइम टेबल नहीं बनाया, मैंने स्टार्टिंग में बनाया था मेरे से बिल्कुल फॉलो नहीं हुए, फिर मैं उनको नहीं बनाता था क्योंकि मेरे पे वो फालतू मुझे स्ट्रेस देते थे क्योंकि मैं टाइम टेबल बहुत रेयरली कभी फॉलो कर पाता था। और ऐसे होता है ना, व्हाट क्लिक्ड फॉर यू, वैसे ना कोई एक दो बात वो जो आपको लग रहा है मेरा सिलेक्शन इस वजह से हुआ, मैंने ऐसा किया है ना, इस वजह से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। सर मैं तो ये बोलूंगा कि मुझे पता था कि मैं छोड़ नहीं सकता, तो शायद मुझे जैसे जॉब लगने के बाद में मैं लगा रहा तो इवेंचुअली शायद फिर कहीं ना कहीं वो मिल गया कि बस आप करते रहो करते रहो। तो वही बात है कि कभी ना कभी हो जाता है, किसी को टाइम से ज्यादा लगेगा किसी को कम लगेगा, लेकिन अगर आप करते रहोगे तो कभी 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 भगवान भी सोचता है कि चलो अब बहुत हो गया इसको दे ही देते हैं। तो सर वही है कि थोड़ा स्पिरिचुअल भी मैं था सर, पूजा पाठ में मैं थोड़ा विश्वास रखता हूँ, तो वो चीज़ भी सर कहीं ना कहीं आपको अगर आप अपने रूट से कनेक्टेड रहो, अपने कल्चर से कनेक्टेड रहो और आप आपको मतलब यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ सर। मेरा यही था कि ये नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए पढ़ना है। कभी नहीं है मन तो नहीं पढ़ता था सर, ऐसा भी नहीं था, बट जो खुद को पता रहना चाहिए कि आज नहीं है मन तो कोई बात नहीं, जब पढ़ना है तो पढ़ना है। ये नहीं कि सर खुद के साथ अगर हम ट्रू नहीं रहेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। सर खुद को खुद के साथ ऑनेस्ट रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर। और स्ट्रेस फ्री होने के लिए क्या करते हैं, जैसे कई बार हो जाता है प्रेशर पड़ता है स्ट्रेस बनता है तो क्या किया जाए? एक तो सर मेरे पास एडवांटेज ये थी कि जैसे 2 साल बाद मेरी जॉब लग गई थी तो जैसे मैं ऑफिस जाता था तो वहां पे काफी लोगों से इंटरेक्शन होती थी, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा स्ट्रेस बस्टर टाइप हो जाता है, गपशप मारने से वहां पे हंसी मजाक हो जाना। और जब सर कई बार मैं ऑफिस नहीं होता था, छुट्टी वाला लेता था एग्जाम से पहले, तो मैं एक तो साइकिलिंग करता था, साइकिलिंग करने में निकल समर हिल साइड में जाता था, कभी सांगटी चले गए सर तो साइकिलिंग, बाकी सर वॉक, कभी शाम को चले गए कभी सुबह चले गए, फिर मेरे फ्रेंड सर उनके साथ जाना, हंसी मजाक करते हुए निकल गए कभी भी। मतलब सर वही है कि थोड़ा सा रिलैक्स इंजॉय करते रहो, थोड़ा अपने आप को डाइवर्ट करो, क्योंकि हम हर टाइम सोचते रहे कि हमें सिर्फ तैयारी करनी है, तो वो एक टाइम बाद बहुत ना मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ा देती है और उससे सर एफिशिएंसी भी कम होती है। अगर हम पढ़ते रहें तो
15-20 दिन बाद वो एफिशिएंसी कम हो जाती है। थोड़ा बाहर निकलना, थोड़ा डिविएट करना, अपना डाइवर्ट करना अपने आप को फॉर सम टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि कोई बात नहीं, चलो जैसे मैं ट्रैकिंग्स पे जाता था सर, तो वो ये सब चीजें कि थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक्स और डाइवर्ट करना जरूरी है, बट वो देखना पड़ेगा कब करना है, किस लेवल पे करना है और किसको कितना चाहिए सर। ये है थोड़ा सा सोच के फिर ये प्लान करके हम प्लान करे कर सकते हैं। और जैसे अभी बहुत से फ्रेशर्स हैं, है ना, वो आपको देख रहे होंगे कि हाँ इन्होंने इस तरीके से प्लान किया है, तैयारी करी है, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या सजेशन है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी जस्ट स्टार्ट हुआ ही है प्रिपरेशन? एक तो सर मैं यही बोलूंगा फ्रेशर्स को कि थोड़ा सा मेंटली टफ अपने को स्टार्टिंग से रखें तो अच्छा है। क्योंकि सर बहुत बार होता है कि हम प्री में रह जाएंगे, मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं भी रह सकते हैं, तो नो डाउट उस टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है। वो बोलना इजी है लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है अपने आपको संभालना। लेकिन वही सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बाउंस बैक कैसे करते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए एक तो ये है कि जो सारी स्ट्रेटेजी है कि न्यूज़पेपर रीडिंग, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज, वो सब तो रखें रखें, लेकिन हताश नहीं होना, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। टाइम लगेगा, करते रहोगे, वही बात है, अगर ट्रू टू योर सेल्फ होंगे तो कभी ना कभी उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। बस अपने बेसिक्स पे स्टिक करो, हम्बल रहो और तैयारी करते रहो। बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समय हो गया है, ऐसा नहीं कि एक अटेम्प्ट दिया, दो अटेम्प्ट दिया, या बहुत लोग साथ प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप जानते होंगे, और इस बार उनका नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा डिजर्विंग कैंडिडेट था, है ना। जी ऐसा सर, बहुत बार हुआ है, जैसे अमित अगली बार रैंक वन आया था और पिछली बार, है ना, सब्जेक्ट रह गए थे, जैसे हिंदी इंग्लिश बहुत बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए क्या सजेशन है जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और इस टाइम पर फॉर सम रीजन या कहीं और फैमिली में कुछ इशू हो जाता है और इस अटेम्प्ट में नहीं हुए, ना, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? सर उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि देखो तैयारी तो करते रहो, तैयारी छोड़ो मत। नो डाउट इट्स डिफिकल्ट टू कंटिन्यू। मैं भी सर उस फेज से आया हूँ। स्टार्टिंग में लगता था नहीं कुछ नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में 2 बार प्रीलिम्स भी नहीं निकला, बट सर इवेंचुअली अगर हम करते रहेंगे, वही बात है सर, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से लक आपका काम साथ करेगा ही करेगा। स्टार्टिंग में मेरे प्रीलिम्स सर 0.33 मार्क्स से रहे, एक बार 4 नंबर से रहा, तो उस टाइम लगता था कि इतना ही क्या खराब किस्मत है। लेकिन सर जब वो सब कल्मिनेट हो गए, हम देखते हैं कि ये शायद इसलिए नहीं निकला, वो वहां पे ये निकलता तो ये नहीं होता, तो वो सब चीजें सर बाद में आपको लगता है कि नहीं ठीक है, सब कुछ जो टाइम के साथ ही होता है। ये बोलने की बातें हैं कि वो 21 साल में लग गया, वो 22 साल में लग गया, जब जिसका टाइम है सर। अब कहीं ना कहीं सर शायद थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में भी जा रहा है, ये थोड़ा सुपरस्टिशियस एंगल में जा सकता है, बट मैंने सर ये चीज थोड़ी नोटिस की है कि जब टाइम आता है तब ही होता है, उससे टाइम से पहले थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेस्ट चीज है कि आप तैयारी छोड़ो मत, तैयारी करते रहो, स्ट्रेस मत लो थोड़ा सा। अगर जॉब आपकी, वो जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिल रही है, गो फॉर सम अदर एग्जाम्स ऑल्सो। जैसे सर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो 2018 में मैंने बैंक क्लर्क का एग्जाम भी दिया था, नॉट टू जस्ट की जस्ट टू सी माई सेल्फ कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ। SSC CGL और SSC CPU मेरे कभी माइंड में नहीं थे, बट एक टाइम ऐसा आया मुझे वो देने पड़े सर। तो वी शुड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग आर सेल्फ, सारे एग्जाम्स देने चाहिए, उससे होलिस्टिक हमें पता लगता है कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, कॉम्पिटिशन लेवल क्या है। तो एक तो थोड़ा और एग्जाम्स में भी जाओ सर, और उससे ये कि अगर आपका निकल रहा है तो यू आर गेटिंग अ गुड बैकअप। तो तैयारी, बट सर तैयारी तो जितना टाइम है जैसा टाइम है करते रहो, कभी ना कभी इवेंचुअली हेल्प हो जाती है, भगवान आपकी हेल्प कर देता है। बिल्कुल। और अभी क्या प्लान है? जैसे होता है ना कि SDM बन गए हो और अब क्या है कि स्टेट को कैसे सर्व करना है, अभी इमिजिएटली क्या आपके प्लान्स है दिमाग में? सर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने भी ऐसा बहुत बड़ा ऐसा प्लान लेके मैं नहीं चल रहा हूँ। मेरा बस सर यही है कि जहाँ पे मैं पोस्टिंग लूंगा तो मैं वहाँ के सर लोकल कल्चर को, लोकल ट्रेडिशन को पहले समझने की कोशिश करूंगा, कि तभी सर वहाँ के लोकल, जब मैं एटमोसफेयर को पढ़ूंगा कि फिर मुझे पता लगेगा कि वहाँ पे लोकल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि सर हम डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हिमाचल में बहुत डाइवर्सिटी है, तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हम नहीं लगा सकते। जब हम एरिया में 1-2 महीने रहेंगे, वहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ही हम उस पर कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सर ऐसा है कि बस वही है कि जितना हेल्प हो सके लोगों की हेल्प करनी है, बट सर ऐसा कुछ नहीं कि बस बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना सब कुछ। जस्ट आई स्मूथली गो विद द सिस्टम सर, कि कैसे क्या दिक्कतें हैं, अपने सजेशंस पुट करूंगा, जो अपने लेवल पे कर सकता हूँ वो करूंगा, और लोकल पीपल को, उनके व्यूज को दिमाग में रख के सर कोई भी डिसीजन लूंगा सर। कार्तिकी, आपको मतलब बहुत समय से मेहनत करते हुए देखा है, वो ना कंटिन्यूटी से मेहनत कर रहे हो, और इवन जैसे लास्ट टाइम भी सिलेक्ट हुए थे, तो ऐसा होता ना लोग सिलेक्ट होने के बाद कि अब तो बस और कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, यू आर वेरी क्लियर,
है ना कि पेपर निकला है तो इसके बाद भी नहीं सर बोले अभी मैं फिर से, और मुझे तो ऐसा लग रहा है नेक्स्ट डे से ही शुरू हो गए थे कि मतलब आप इतना ज्यादा नहीं निकले बाहर, है ना कि बस ठीक है आई एम फोकस्ड, लगातार मेहनत करते रहे और आज रिजल्ट सामने है। और मैं ये चीज समझता हूँ ना, आई एम वेरी क्लियर कि एक चेंज आएगा, है ना, बहुत अच्छा सर्व करोगे स्टेट को और बहुत लोगों का फायदा होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कार्तिक, थैंक यू सर, ऑल द थैंक बेस्ट, यू सर। हुआ खुश।